Good morning, students. Due to this pandemic and lockdown condition, we are not able to conduct any classes in your school. So, as per administration order, we are providing you online lecture on WhatsApp and try to tell something about your syllabus and about your subjects. First, I welcome to all of you. The first chapter in your biology syllabus is reproduction in organism. इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है इसमें ये है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मीन्स टोटल लाइफ पीरियड इन विच एनी ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। दैट मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। इसके बाद रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। इसमें बहुत कुछ बताने जैसी बात नहीं है, आप रिप्रोडक्शन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, आपने पढ़ा भी है यूनिट में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके अलावा इसका डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। सो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसे जीवों को, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करना, जेनेसिस करना, ये रिप्रोडक्शन है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत लोग इसके विषय में जानते होंगे, फिर भी जो बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विद ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, एंड व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स सिंगल पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टू पेरेंट्स देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। There are different methods for asexual reproduction.